बनाऊंगी अरबी का पत्ता। तो अरबी का पत्ता मैंने ले लिया और इसको मैंने अच्छे से धो लिया 4-5 बार, और पत्ते को मैंने खोल खोल कर पर भी देखा है, क्योंकि पत्ता ना गोल सा मुड़ा हुआ रहता है, और बारिश के सीजन में ना अरबी का पत्ता बहुत ही मिलता है, और अरबी का पत्ता खाने से ना खून भी साफ होता है, तो इसी टाइम ही खाया जाता है बरसात में। तो इधर मैंने अरबी का पत्ता काट लिया और अच्छे से धो भी लिया है, क्योंकि इसमें ना पानी रुकता नहीं है, पानी निकल जाता है, तो हाथ से मल मल के अच्छे से धो लिया। और इसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के, तेल गरम हो गया, और जीरा लहसुन हरी मिर्च अच्छे से भून लूँगी, ज़्यादा नहीं, कम आँच में ही भून लूँगी, नहीं तो ये जल जाएगा। और इधर कढ़ाई में तेल और जीरा है, उसी में मैं डाल देती हूँ अरबी का पत्ता, तो कुछ इस तरह से है, तो अच्छे से भून लूँगी, मतलब मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से हमारे यहाँ पे मिक्स हो गया है, तो इसमें डाल देती हूँ नमक, हल्दी, फिर इसमें कच्चा हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखी थी। उसके बाद कुछ इस तरह से है, मतलब पूरा सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब इसको सिलबट्टे में अच्छे से पीस लूँगी, कि इस टाइम अरबी का पत्ता ना वो गला उतना लगता नहीं है, नहीं तो किसी किसी टाइम ऐसा होता है ना कि खाने से गला भी खुजलाता है, इसलिए अभी का पत्ता सही रहता है। और इसमें ना मैं नींबू का रस भी डाली हूँ थोड़ा सा, मतलब बाद में डालूँगी जब पक जाएगा। तो अभी इसको अच्छे से पीस लेती हूँ, अच्छे से नहीं पीसूँगी, थोड़ा दरदरा रहेगा क्योंकि मुझे दोबारा पकाना है। तो अच्छे से गल गया है, इसलिए अच्छे से पीसा जा रहा है ये। तो कुछ इस तरह से पीस लिया है। तो दोबारा लेके मैंने पीस दोबारा ये डाल दूंगी सील पे, और ये उठा लूंगी, तो इसको भी पीस लेते हैं। तो ये भी पीस गया है, तो कुछ इस तरह से इतना सा हो गया है। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ही तेल डाला है, ज़्यादा, क्योंकि साग में कम ही तेल खाना चाहिए, ज़्यादा तेल से वो ज़्यादा तेल वाला स्वाद आता है, और साग में हमेशा कम तेल से ही बनाती हूँ मैं। तो थोड़ा सा तेल डाल के तेल को अच्छे से गरम कर लिया, उसके बाद मैंने अरबी का पत्ता पिसा हुआ मैंने डाल दिया है, तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे, और मतलब मिक्स कर लेंगे। उसके बाद प्लेट में निकाल लेते हैं, तो कुछ इस तरह से है। इस तरह से खूब ही अच्छा लगता है, गरम गरम चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बन के रेडी हो गया अरबी का पत्ता।